हम लोग को आज पढ़ना है क्या चीज, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन। ठीक है, कल भी हम लोग पढ़े थे फ्रोजन सेक्शन का प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, तो कल क्या है दो तीन टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग को जितना बचा हुआ था सब पढ़ लेना है। ठीक है, और प्रोसेसिंग मतलब बताए थे कि जो भी टिश्यू प्रोसेसिंग जैसे पैराफिन वाला में किया जाता था। ठीक है, पैराफिन इम्बेडिंग उम्बेडिंग करके उसका क्या स्टेनिंग सब किया जाता था। ये फ्रोजन सेक्शन का थोड़ा टेक्निक अलग है, लगभग 90% सेम है, एक दो स्टेप क्या है आगे पीछे है। ठीक है, तो उसको ध्यान देना है क्या अंतर है। और वो खैर इम्बेडिंग था बाई पैराफिन वैक्स वाला, तो इसमें उसके जगह पर सिलोडीन का कहाँ गया, 7 नंबर, हाँ ये सिलोइडीन पड़ता है। ठीक है, उसके जगह क्या नाम है, पैराफिन के जगह। उसके बाद लगभग पूरा 90% हु बहु सेम है। ठीक है, अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे उसमें, कल क्या पढ़ाए थे, सबसे पहले फिक्सेशन करेंगे। फिक्सेशन में क्या करते थे, 10% फॉर्मल सलाइन ले रहे थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते थे बताओ, उसके बाद उसको लेकर जो भी टिश्यू फ्रोजन सेक्शन टिश्यू काटे थे उसको क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे, तो फ्रोजन सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद उसका सेक्शन कटिंग करते थे। ठीक है, सेक्शन कटिंग थोड़ा क्या होता है, मोटा कटेगा, ठीक है, थिक कटेगा, जिसका 7 से 10 क्या रहेगा माइक्रोमीटर साइज रहेगा। ठीक है, उसमें हमको 3 से 5 माइक्रोमीटर कटता था। ठीक है, माइक्रोन्स। उसके बाद अब क्या है, चौथा मैं बताया था कि जैसे ही टिश्यू को काटते हैं, ठीक है, तो रिंकल उंकल हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पानी में रख देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम लोग, हॉट वाटर बाथ में रखते थे। ठीक है, 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते थे ना, ताकि क्या करे वो थोड़ा रिंकल फ्री हो जाए, पूरा स्ट्रेट हो जाए, ताकि हम लोग स्लाइड पे ले सके। लेकिन इसको क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर में, नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर में डाल देना है। ठीक है, कहाँ डालना है, नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, और क्या करना है, उसके बाद स्लाइड पे क्या करना है, सेक्शन को उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उस पर स्लाइड से उठाएगा, उसके बाद उसको क्या करना है हम लोग को, एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालना है। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब बताया था क्या चीज, 100% अल्कोहल। ये क्या करेगा, जितना भी उसमें का पानी होनी है, ठीक है, पानी वाला जितना पोर्शन रहेगा उसको क्या करेगा, ये डिहाइड्रेट करेगा करेगा। उसके बाद क्या करना है, रेपिडली ट्रांसफर टू द पेट्री डिश कंटेनिंग 0.5 से 1% सिलोइडीन, कीप फॉर 5 to 10 seconds। अब क्या करना है, पेट्री डिश देखा है सब लोग, जब कल्चर वल्चर मीडिया लगाएगा तो क्या होता है, ऐसा ही गोल टाइप का रहता है, उसका ढक्कन ऊपर से रहता है। अब इसी में क्या करना है कि सिलोइडीन सब रखा हुआ रहता है, ठीक है, लिक्विड टाइप का, समझ में आ रहा है, ये क्या है 5 to 0.5 है ना, 0.5 से 1% इसमें क्या करेंगे, सिलोइडीन डाल देंगे। उसके बाद जो टिश्यू हम लोग क्या किए हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल से निकाले हैं, उसको क्या करेंगे इसी में प्लेस कर देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, 5 से 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद क्या करें, मतलब क्या करना है, डालना है उसके बाद निकाल लेना है, ठीक है, डिप कर कर निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि जैसे ही इसमें पेट्री डिश में डाला 0.5 से 1% सिलोडीन में 5 से 10 सेकेंड के लिए, उसके बाद क्या करना है, ड्रेन एक्सेस सिलोडीन, जितना भी ऊपर एक्सेस सिलोडीन था तो उसको क्या करना है, झाड़ लेना है। ठीक है ना, उसमें से हटा देना है, अलाउ द सेक्शन टू ड्राई पार्शियली। अब देखो जैसे ही इसमें अब किसी चीज़ में डिप करते हैं, ठीक है, पानी में कुछ डिप किए, ठीक है, तो पानी जितना अंदर जाना था चला गया, ऊपर भी लगा हुआ रहता है ना, तो उसको क्या करना, अपना झाड़ ओढ़ लेना, उसमें से पानी हटा लेना है। ठीक है, तो वैसे ही सेलोडीन जैसे ही रहता है इसमें, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पेट्री डिश। ठीक है ना, इसी टाइप का होता है इंस्ट्रूमेंट, लैब में है, ठीक है, कल्चर मीडिया वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारा काम है। इसमें सेलोडीन रहेगा, क्या करना है, डिप करके 5 से 10 सेकेंड रखना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। उसके बाद ऊपर कितना टिश्यू के ऊपर कितना भी सेलोडीन लगा हुआ रहेगा उसको क्या करना है, एक्सेस जो भी रहेगा उसको क्या करना बताओ, ड्रेन कर लेना, हटा लेना उसके से। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत सूख जाए, उसमें से सेलोडीन सब हट जाए। उसके बाद क्या करना, हार्डन द सेलोडीन बाई 70% अल्कोहल। उसके बाद क्या करना है, ये जो सेलोडीन वाला जो टिश्यू है, ठीक है, उसको क्या करना, 70% अल्कोहल में
10 से 20 सेकंड के लिए डिप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस सेलोडीन क्या होता है, ये जैसे हम लोग इम्बेडिंग करते थे, करता था ना, ठीक है। तो ये भी इम्बेडिंग में हेल्प करता है, मतलब टिश्यू को थोड़ा हार्ड करने में मदद करता है, ठीक है। किस तरह पैराफिन यहाँ पे करता था ना, उसमें पैराफिन वैक्स, ठीक है। उसी का क्या होता है, समझो कि जस्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक जैसा ही होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पैराफिन, अब फ्रोजन सेक्शन है तो यहाँ पे पैराफिन नहीं यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सेलोडीन का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, इम्बेडिंग मटेरियल जैसा यूज किया जाता है ताकि टिश्यू को थोड़ा हार्ड बनाया जा सके। हार्ड बनाएगा तब ना कटिंग करने में हेल्प करेगा आगे चल के, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, कटिंग करने में बोल रहे हैं हार्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है बताओ, इसको पार्शियली ड्राई करना था, 70% अल्कोहल में कितना 10 से 20 सेकेंड के लिए छोड़ेगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा टिश्यू हार्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, स्टेनिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। अब इसको हार्ड करने की क्यों जरूरत पड़ा, देखो हम लोग वहाँ पे तो कटिंग करने के लिए क्या किए, फ्रीज कर लिए, फ्रीज करके काट लिया, लेकिन टिश्यू क्या अभी भी सॉफ्ट है ना, तो वो क्या होगा आगे चल कर हमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब वो क्या नाम है, एक तो टिश्यू मानो कि छोटा रहेगा, 8 से 10 माइक्रोन रहेगा ना, तो वो क्या होगा, उसको थोड़ा हार्ड बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि जाकर स्लाइड व्लाइड पर बढ़िया से चिपक सके, स्टेनिंग करे तो बढ़िया से ले सके स्टेन को, ठीक है। तो क्या करेंगे, हार्ड कर लेंगे, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। अब स्टेनिंग में उसमें करते थे HND स्टेन, हिमेटोजालिन एंड योसिन स्टेन करते थे, लेकिन इसमें करेंगे क्या चीज, कौन सी मेटाजालिन, लगभग सेम ही है, ठीक है। उसमें हिमेटोजालिन एंड यू स्टेन करते थे, इसमें कौन सी मेटोजालिन को रखेंगे, ठीक है, स्टेनिंग करने के लिए पहले 1 मिनट तक, कितना देर के लिए, 1 मिनट। उसमें हीमेटोजाइलिन को रखते थे 10 से 20 मिनट के लिए या 10 से 15 मिनट बताए थे। उसके बाद उसको क्या करते थे, जो भी स्टेनिंग रैग था उसमें एक्सेस जो भी था उसको ढाल देते थे, और ढाल कर क्या करते थे, टैप वाटर में धोते थे। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, 1% एसिड अल्कोहल को उसको भी डालते थे, लिखाए थे ना, 1% एसिड अल्कोहल क्या होता है, HCl 1 ml, 70% अल्कोहल 99 ml, लिखाए थे ना उसमें, बोलो। सेम वैसा ही इसमें भी क्या किया, 1% एसिड अल्कोहल को यूज करेंगे। उसके बाद एसिड अल्कोहल को फिर हटाने के लिए हम लोग टेप वाटर में डालते थे, वहाँ पर टेप वाटर में डालते थे क्या होता था, टिश्यू ब्लूइंग हो जाता था, होता था ना, इसको भी टेप वाटर में डाले, ठीक है, टेप वाटर में डालकर फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, काउंटर स्टेन करते थे। तो यहाँ पर भी काउंटर स्टेन करेंगे, 0.3% ईओसिन, कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन स्टेप लगभग सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, काउंटर स्टेन करते थे 0.3% ईओसिन, वहाँ पर भी क्या करते थे, काउंटर स्टेन करते थे ईओसिन से। उसके बाद फिर ईओसिन को क्या करते थे, टेप वाटर में धोते थे, तो इसमें भी टेप वाटर में धो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, पानी चला जाता था तो क्या बोले थे, पहले डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, रिंस 95% अल्कोहल में क्या करना पड़ेगा, उसे 2 से 3 सेकेंड तक डिप करेगी तो पानी क्या करेगा, डिहाइड्रेट होगा तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा बाहर, तो उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल चला जाएगा। फिर उसके बाद 95% अल्कोहल के बाद क्या किए, 100% अल्कोहल में रखे, जो भी बचा कुछ ये था पानी था वो भी निकल गया, समझ में आ रहा है। उसमें क्या करते थे, 70% 85% 3 गो में डालते थे, या कितना 85% या 100% डालते थे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें 95 या इसको 80-85 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किताब को किताब वैरी करता है। तो 95% और 100% में डालेगी तो जितना भी पानी होगा निकल जाएगा, लेकिन अल्कोहल क्या होगा, अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या है, रिमूव सेलोडीन फिल्म वाई वॉशिंग केयरफुली विथ अल्कोहल इथर मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अंदर में तो सेलोडीन भी है ना, ये जो अंदर यहाँ पे गया है शुरू में किए है ना पेट्री डिश में रख कर, तो उसके अंदर क्या है, सेलोडीन भी है, तो सेलोडीन को भी क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि जब सेलोडीन को कैसे निकाला जाएगा, बाई वॉशिंग केयरफुली विथ अल्कोहल इथर मिक्सचर,
अल्कोहल इथर मिक्सचर के जो रहेगा उसमें क्या करना, डिप करा देना या उससे वॉश करवा देना, एक दो बार ऐसे ऐसे डिप कराएगी, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, सिलोडीन निकल जाएगा, समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल देंगे तो जो भी पानी वानी होगा, ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल सब इसमें चला जाएगा, समझ में आ रहा है? यानी सिलोडीन निकल गया, अल्कोहल अंदर चला गया, समझ में आ रहा है? शुरू शुरू में क्या होगा कि पानी को निकाले जितना भी होगा, 95% अल्कोहल और 100% में रखे, फिर हम मेरे पास सिलोडीन भी तो अंदर गया था टिश्यू को, तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा, तो उसको भी क्या किससे निकाला जाता है, अल्कोहल इथर मिक्सचर से, इसको याद रखना है, ठीक है, कि सिलोडीन को अगर रिमूव करना होगा तो किससे करेगा, अल्कोहल इथर मिक्सचर से। अब अल्कोहल इथर मिक्सचर से जैसे ही किया तो क्या हो गया, अल्कोहल फिर टिश्यू के अंदर गया, तो बताए थे कि जाइलिन से करेंगे, जाइलिन एज ए क्लियरिंग एजेंट, ये क्या करेगा, जितना चीज अंदर आएगा उसको क्या करेगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जाइलिन अंदर चला जाएगा, और जाइलिन अंदर चल जाएगा उसके बाद डीपीएक्स बताया था, एक्स क्या होता है, जाइलिन ही होता है ना, ये दोनों क्या होगा, मीडियम सेम हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, डीपीएक्स कवर स्लिप रख कर माउंटिंग कर देते थे, और उसके बाद माउंटिंग करके क्या करते, माइक्रोस्कोपी कर लेंगे, और माइक्रोस्कोपी में जो तुमको लिखाया था वही ना दिखेगा, बदल थोड़ी ना जाएगा इसमें, इसमें भी तो वही सब टिश्यू लिए हैं बायोप्सी, थोड़ा मेथड अलग है थोड़ा जल्दी करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा फ्रोजन सेक्शन, तो लगभग सब सेम है, उसमें हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन होता है, इसमें कोल हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन होगा, समझ में आ रहा है? तो देखो एक बार और रिविजन करवा देते हैं, जो भी फ्रोजन सेक्शन है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले बताएं कि फिक्सेशन करेंगे 10% फॉर्मलिन में, सब कुछ सेम, ठीक है, फॉर्मल सलाइन में। उसके बाद क्या करना है, दूसरा फ्रीजिंग करेंगे, फ्रीजिंग करके टिश्यू को हार्ड करेंगे, उसके बाद सेक्शन कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन जो कटिंग करेंगे तो थोड़ा थिक आएगा, ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग क्या करते थे उसमें कट करते थे, क्या नाम है, पैराफिन वैक्स वाला में, ठीक है, तो उसमें पैराफिन टेक्निक में करते थे तो 3-5 mm कट होता था, ठीक है। इसमें क्या होगा, 8-10 mm, माइक्रोन्स, ठीक है, 3-5 microns कटता था, इसमें 7-10 या 8-10 microns कटेगा, ठीक है। तो इसका चूंकि थोड़ा ज़्यादा मोटा सेक्शन कटेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सेक्शन काटेगा तो उसके बाद उसको हम लोग क्या करते थे, जो भी थोड़ा गुनगुना पानी था, ठीक है, स्लाइटली वार्म वाटर बताए थे 50-52 degrees centigrade में, उसमें डालते थे ताकि जो भी सेक्शन कटिंग किए सीरियल वाला, तो क्या होता है कि मुरल रहता है सब, ठीक है ना, एक साथ गोल और घुमा रहेगा, उसको क्या करेंगे, जैसे ही पानी में रखेंगे तो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, रिंकल फ्री हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा सब, ठीक है। अब इसको लेकिन क्या करते हैं बताओ, गर्म पानी में नहीं डालेंगे, नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कवर द सेक्शन इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल से क्या करेंगे उसको, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन किए यहाँ पर भी किया ना, डिहाइड्रेशन के बाद क्या करेंगे, उसको पेट्री डिश में डालते हैं, ठीक है, जिसमें 0.5 से 1% सिलोडीन रहता है, ठीक है, 5-10 seconds, कितना है, 5-10 seconds, ठीक है। उसको क्या करेंगे, डीप ओप करके निकालेंगे, उसके बाद एक्सेस उसके ऊपर क्या रहेगा, सिलोडीन लग जाएगा, पेट्री डिश में रखा रहेगा, उसको क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सूख हो जाएगा तो उसको 70% अल्कोहल में डाल देंगे, ठीक है। अल्कोहल में डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा टिश्यू और हार्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही टिश्यू हार्ड आएगा तो स्टेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। स्टेनिंग में क्या था, जो पैराफिन वाला टेक्निक था, ठीक है, तो उसमें हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन यूज करते थे, इसमें पोलिश हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन, इसमें भी सेम वही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पोलिश हिमेटोजाइलिन का था 1 minute के लिए रखते थे, लेकिन उसमें 10-20 minutes के लिए रखते थे, ठीक है। उसका टेप वाटर में उसमें भी धोते थे, इसमें भी धो लेंगे। उसके बाद क्या करते थे, उसमें भी डिफरेंट 1% एसिड अल्कोहल में क्या करते थे, उसको डिप कराते थे ना, इसको भी डिप कराएंगे। 1% एसिड अल्कोहल उसमें क्या था, 1% 1 ml HCl प्लस 70% जो अल्कोहल था उसका 99 ml, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अल्कोहल को करके उसका टेप वाटर में डालेंगे, उसमें भी करते थे। उसके बाद काउंटर स्टेन, उसमें भी इओसिन से करते थे, इसमें भी कर लिए। यहाँ पर टेप वाटर में जैसे ही डालेगी तो एसिड है, उसके बाद क्या होता है, टेप वाटर बताया था हल्का अल्कलाइन या बेसिक होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ब्लूइंग होगा ना।
उसके बाद क्या करेगा, इओसिन को टेप वाटर से धो लेना है। पानी अंदर चला गया है, पानी एक्सेस है, तो हमको पानी को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पानी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, एक घर हो गया जिसमें बैक्टीरिया इजिली घुस सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है। मॉइस्चर ले लिया तो समझ में आ रहा है, इजिली क्या होगा, वो खराब हो सकता है। मतलब लंबे समय तक इस स्लाइड को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन हमको क्या होता है कि जब हम भी इसको पैथोलॉजिकल स्लाइड बनाते हैं तो लंबे समय के लिए, 2-4 साल 5 साल पढ़ने के लिए, ठीक है, या किसी भी काम के लिए क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है ना, कि फर्दर स्टडीज वगैरह में हेल्प हो जाए, या जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, कॉलेज के, वो उनको देखना हो तो हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़े, या कोई भी स्टूडेंट है वो खुद ही 4 साल बाद देख सके कि हम क्या क्या देखे थे, कहीं भूल जाता है तो नहीं होता इस टाइप का। तो उसके लिए क्या होता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या होगा, अब उसको पानी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बार बार टेप वाटर में धो रही है तो पानी अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट 100% में नहीं रखना, नहीं तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक बैग पानी निकलेगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो उसमें क्या करेगा, टैप वाटर में धोया है तो क्या करेगा, 95% अल्कोहल में उसको क्या करना है, डालना है, ठीक है। तो क्या करेगा, थोड़ा सा पानी ले लेगा, उसके बाद फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालेगा तो क्या होगा, जितना पानी होगा सब निकाल लेगा। फिर हमको क्या करना है, उसमें पैराफिन भी निकालते थे ना हम लोग, ठीक है, तो इसमें जो सेलोडीन डाले हैं, ठीक है, 0.5 से 1% जो है 5 से 10 मिनट का डिप किए थे, वो भी तो अंदर होगा, होगा ना। तो क्या होता है, लास्ट प्रोसेस में सब कुछ निकाल लिया जाता था, फिर इसको भी निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल इथर का मिक्सचर बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1-2 बार डिप कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो निकल जाएगा सिलोडिन, ठीक है, तो अल्कोहल इथर मिक्सचर अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही अल्कोहल फिर 100% में डालेगी तो क्या होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल है ना 100%, तो अब उसमें डालोगी तो क्या होगा, जो भी अल्कोहल इथर होगा सब, मतलब अल्कोहल इथर का सब मिक्सचर बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही जाइलिन डालेंगे तो जाइलिन का काम ही होता है एज ए क्लियरिंग एजेंट, जो भी अंदर टिश्यू का सबको बाहर कर देगा, फिर जाइलिन अंदर चला जाएगा। और चूंकि हमको डीपीएक्स से ही क्या करना है, माउंट करना है, ठीक है, डीपीएक्स से फुल फॉर्म क्या बताया था, डाइब्यूटाइल थायमेट जाइलिन, ठीक है। तो जो जाइलिन है तो दोनों मीडियम सेम हो गया, इजिली उसको क्या कर सकता है, वो प्रिजर्व करके रख सकता है, ठीक है ना। टिश्यू को थोड़ा क्रिस्टल क्लियर और बना देगा, साफ सुथरा, ठीक है। उसका डीपीएक्स पे क्या करना है, माउंट कर लेना डीपीएक्स है, ठीक है। तो माउंटिंग का प्रोसेस बताया था, सबसे पहले कवर, जो कवर स्लिप होता है उसको क्या करना है, 1 ड्रॉप डीपीएक्स डाल लेना है, उसके बाद उसको रख देना है, उसका स्लाइड जिसको करना है उसको ले जाके ऐसा चिपकाना है, और उसके बाद उसको पलट देना है, ऐसा ही बताया था ना, और उसको सूखने के लिए फिर रख देना है। किस पे रखते थे, पैराफिन ओवन था, ठीक है ना, हाँ, उस पर क्या करते थे, रख देते थे। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा ड्राई व्राई हो जाता था, उसके बाद हम लोग अपना माइक्रोस्कोपी करते थे। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में लिखाए थे कौन सेल कैसा दिखता है, लगभग सेम वही है ना, हेमेटोजाइलिन इओसिन, सब सेल वैसा ही दिखेगा जो उसमें लिखाए थे, समझ में आया। उसके बाद माइक्रोस्कोपी क्यों करते हैं, बता ही दिए थे, ठीक है। तो यही है तुम्हारा फ्रोजन सेक्शन, अब लगभग सब कुछ कम्प्लीट हो गया है। हिस्टोपैथोलॉजिकल इक्विपमेंट है, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल इक्विपमेंट में क्या पढ़ना है, जो भी फिक्सेशन के लिए जो केमिकल्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं, माइक्रो टो मशीन देख ही लिए, ठीक है, नाइफ देख लिए, स्ट्रोपिंग होनिंग सब देख ही लिए, तो वहीं सब ना इक्विपमेंट है जो यूज किया जा रहा है, इम्बेडिंग ब्लॉक होल्डर, तो यही सब ना इक्विपमेंट है, ठीक है। ग्रॉसिंग के लिए नाइफ यूज करते थे तो वो, उसके बाद और क्या होगा, स्टैनिंग के लिए स्टैनिंग रैक, स्लाइड, डिप, यही सब ना है। फिर पैराफिन वैक्स को रखने के लिए पैराफिन वैक्स ओवन, ठीक है, तो ये सब सब जानकारी दे ही दिए, तो वो तुम्हारे में अलग से दिया हुआ, तो वो अलग से कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ जहाँ जहाँ आया वहाँ पर पढ़ा दिए, ठीक है। अब एक चीज़ है तुम लोग को, ये तो मैनुअल वाला हो गया, ठीक है, अब ये सेम चीज़ आता है ऑटोमेटिक वाला, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सब मशीन में अलग अलग डब्बा जनरली 12 को लगा रहता है, ठीक है ना, जो हम मैनुअली करते हैं, ठीक है ना, जो प्रोसेस ये सब क्या हो रहा है, बहुत सारा मैनुअली कर रहे हैं, सेम प्रोसेस क्या होता है ऑटोमेटिक मशीन से भी होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन सब कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, तो उसके सेम प्रोसेस यही होता है, लेकिन क्या होता है, हम आदमी से नहीं कर कर वो क्या करते हैं, मशीन से कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, एक दो छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना,
एक दो दिन में उसको क्लियर कर देंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन हिस्टोपैथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू पढ़ें और उसके बाद स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ टिश्यू पढ़ें, ठीक है। तो एक होता है हिस्टोलॉजी, एक हिस्टोपैथोलॉजी, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा, साइटोलॉजी या साइटोपैथोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स में कौन कौन सा डिजीज लगा फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो करेंगे एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, ऐसे कर करके बहुत सारा टाइप्स होता है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे, समझ में आया। तो एक दो दिन में देखते हैं, नहीं होता है तो तुम्हारा सिलेबस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो जो छूटा होगा पोर्शन एक दो दिन में कंप्लीट करवा देंगे और उसका साइटोलॉजी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, समझ में आया। लिख लेना, यही है फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन में तुमको बता दिया एडवांटेज क्या होता है, थोड़ा बहुत जल्दी समय के लिए रैपिड, जब हमको जब भी काम पड़ेगा, ठीक है ना, कभी भी रैपिड हम लोग को डायग्नोसिस करना होगा तो फ्रोजन सेक्शन वगैरह का सब हम लोग यूज करते हैं। किस माइक्रोटोम से काटते हैं वो सब बता दिए, कौन कौन सा मेथड है, प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है और डिसएडवांटेज सब, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रोजन सेक्शन था, ठीक है।